हाँ जी है, कुंवारी कन्या का गायन है तो जो कुंवारी कन्या है उसके पुकारने में ज्यादा ताकत होगी या जो अधर कुमारी है उसके पुकारने में ज्यादा ताकत होगी है? कुंवारी कन्या के पुकारने में ज्यादा ताकत है, तो उसने पुकारा तो ज्ञान सूर्य भगवान भी आना पड़े। वो सूर्य तो जड़ है तो ज्ञान सूर्य की बात, प्योरिटी इम्प्योरिटी को आकर्षित करती है या इम्प्योरिटी आकर्षित करती है प्योरिटी को, है प्योरिटी ही इम्प्योरिटी को आकर्षित करती है। राम सीता को छुड़ाने के लिए जाते हैं या सीता आती है स्वयं? राम को जाना पड़े। महाभारत में फिर दिखाया है कुंती से कौन पैदा हुआ है? कर्ण पैदा हुआ। बड़ा बच्चा कर्ण था या युधिष्ठिर था? कर्ण बड़ा बच्चा था। तो यज्ञ के आदि में सुनने सुनाने वाला पैदा हुआ या समझने समझाने वाला पैदा हुआ? सुनने सुनाने वालों को कान कहा जाता है, कान से ही सुनता है और कान से ही सुनाता है, उसका नाम रख दिया कर्ण। दानेश्वरी बोधा है? दानेश्वरी बोधा हाँ, कहते हैं दासी पुत्र था, किसका पुत्र था? दासी पुत्र था। तो कर्ण कौन हुआ? सुनने सुनाने वाला मुखिया। पहले पहले किसने सुना सुनाया? जगदम्बा पुरुष मण का है या स्त्री मण का है? रुद्रमाला का पुरुष मण का है, भले उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, वो भी सुनने सुनाने वाला। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। ब्रह्मा ही जब कोई माता में प्रवेश करता है तो वो कर्ण भी है। किसका पुत्र था? है जो यज्ञ नहीं, हाँ कुंती का पुत्र तो था, लेकिन पाला किसने था? दासी ने पाला। तो पालने वाली कौन सी हुई? दासी। बच्चा तो पेट में आता है ना, यहाँ कौन सा पेट है? तो बुद्ध रूपी पेट में वो बच्चा आ जाता है, तो दासी उसको पालती है। आत्मा की बात है। और इसकी व्याख्या में यहाँ तीन पेड़ का एक झाड़ है, इसका तीन ही पत्ता आता है। कर्ण को यहाँ पर जलाया, कृष्ण अंतिम संस्कार यहाँ किया। पेड़ है तीन ही पत्ते आते हैं, बड़ का पेड़ छोटा सा है, तीन ही पत्ते हैं। आज पत्ता निकलता है पुराना जड़ जाता है। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या क्या बातें बैठ बनाई। हाँ
है दाता एक राम, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लो अब दाता कौन है? ये समझ में नहीं आया? कैसे समझ में आया तो बताओ कैसे। लो जो बेहद का भिखारी बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन बनता है? राम ही सबसे बड़ा भिखारी बनता है, वो दाता कैसे हो जाएगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, भीख मांगने वाला है, दर दर भीख मांगता रहता है, वो दूसरों को कैसे देगा? वही तो प्रश्न है। वही तो मेरा प्रश्न। तो इसका मतलब शिव तुम्हारी समझ में नहीं आया। यही तो इस मुरली में बताया कि महिमा एक की है, न त्रेता के राम की महिमा है, न सतयुग के कृष्ण की महिमा है। महिमा किसकी है? नारायण की भी महिमा नहीं है। नारायण वो भी बनने वाला है। महिमा किसकी है? हाँ, जो एक शिव प्रवेश करता है, तो जिसमें मुकर्र रूप से प्रवेश करता है, वो पहले भल भिखमंगा था, भिखारी था, फिर भी क्या बन जाता है? दाता बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में ये गायन कर दिया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और कहीं तो पालने वाली बातें कौन है? तू तो था ना, किसकी बुद्धि में, किसकी बुद्धि रूपी पेट में पलता है? पेट में पलता है ना, तो पलता किसके बुद्धि रूपी पेट में है? जगदम्बा की बुद्धि रूपी पेट में पलता है। कुंती के पेट से जन्म लिया और पला किसमें? जगदम्बा दासी के पेट में पला। वो ही पांडवों की दासी बनती है। कहा जाता है पांडुचेरी, मुरली में आया ना, अरविंद भागा, भागा तो कहां पहुंचा? पांडुचेरी में पहुंचा। और है सूर्य पुत्र कहते हैं। हाँ, तपाती है। और साल माना चार साल के बाद छोटे या बड़े बाहर लाते हैं। हाँ, छोटी छोटे या बड़े, कभी छोटे से बाहर बाहर आते हैं, कभी बहुत बड़े बहुत बड़े। हाँ, पानी की बाढ़ लाती है चौथी साल में। हाँ, ये जो पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, ये कौन सी साल आता है? हर चौथी साल आता है ना पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम बनने वाला, उसकी जब शूटिंग होती है तो हर चौथी वर्ष नयापन आता है। सन 76 में नयापन आया, 79-80 में फिर नयापन आता है, फिर 83-84 में नयापन आता है, फिर 87-88 में फिर नयापन आता है। ब्रह्मा बाबा आते ही नहीं एक साल, प्रत्यक्षता होती है विदेशियों के बीच में, फिर 92 में प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे हर चौथी साल कोई न कोई नया प्रत्यक्षता का कार्य होता रहता है। लेकिन निमित्त कौन बनती है? जगदम्बा। तो कनेक्शन है ना सूरत से खास। पश्चिम में चलती है और नदियां सब पूरब में जाके गिरती है,
और नर्मदा ताप्ती पश्चिम में जाके गिरती है। पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। और पूरब में बंगाल की खाड़ी। पूरब में भगवान प्रत्यक्ष होता है और पश्चिम में शैतान प्रत्यक्ष होता है। सागर है प्रजापिता और ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा। जो बाबा सागर के अंदर जो ज्वार भाटा आता है उसका मतलब चंद्रमा के ऊपर ही रहता है। चंद्रमा में भी आकर्षण होता है क्या? चंद्रमा में भी आकर्षण है और सागर में भी आकर्षण है, लेकिन पृथ्वी में ज्यादा आकर्षण है या सागर के पानी में ज्यादा आकर्षण है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में है, है? पृथ्वी में है। तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति दोनों की मिल जाती है और समंदर का सारा पानी खींचा हुआ चला आता है। पूर्णमासी को ज्वार आता है, ज्वार जोर से आकर्षण होता है। सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, तो पानी को खींच लेता है, ज्ञान जल को आकर्षित कर लेता है। यहाँ ज्ञान में भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब पूरा ज्ञान को आकर्षित करेगा तो संपन्न बन जाएगा। और कमल को सदल भी कहते हैं, कमल को सदल भी कहते हैं। उसमें 100 पत्तियां होती हैं, बड़ा बड़ा जो कमल कमल होता है, कमल का फूल, उसमें 100 पत्तियां होती हैं ज्यादा से ज्यादा, इसलिए उसको शतदल कहते हैं। शतदल माने 100 पंखुड़ियों वाला। कमल फूल को किंग फ्लावर कहा जाता है। ऐसा फ्लावर है जो राजा है फलों फूलों का। ये 100 मणके क्या है? पत्तियां हैं जैसे कमल की, इसलिए शंकर को कमल के फूल के ऊपर भी बैठा हुआ दिखाया जाता है, कमलिनी को भी दिखाया जाता है, लक्ष्मी को। नदी को अलकनंदा भी कहते हैं। हाँ, अलकनंदा पहाड़ों पर बहती है तब अलकनंदा नाम है। जब हरिद्वार में आती है तो गंगा नाम पड़ता है, ऋषिकेश से नीचे उतरते ही गंगा नाम पड़ जाता है। और एक गीत भी है कि नर्मदा का कंकर कंकर तो शंकर शंकर के समान तो शालिग्राम के जो मणके हैं वो रुद्रमाला की यादगार है ना, तो रुद्रमाला का हर मणका शंकर के समान है या नहीं है? निराकारी स्टेज वाला बनता है नंबर वार या नहीं बनता है? और क्षत्रिय माया के ऊपर जीत नहीं पाते हैं। तुम ब्राह्मण हो,
जो माया पर जीत पाते हो, जो हार जाते हैं वो क्षत्रिय कहे जाते हैं। पुरुषार्थ करते करते, साइकिल पर चढ़ते चढ़ते जो साइकिल उठा के रख दे, मार्केट में बेच दे, गिरता रहे बार बार और मार्केट में साइकिल बेच दे, तो वो हार गया या जीत गया? तो हार गया। जो हारे नहीं, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। मन से जो हार गया सो हार गया, और मन से नहीं हारा तो जीत ही जीत है। और विचित्र माने बिंदु। वो बिंदु जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब उसका चित्र बनता है, उसे शंकर कहते हैं। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है, शिवलिंग भी कहते हैं। वो शिवलिंग का भी चरित्र है जो इसका लिंग रूपी ही पूजा जाता है, और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग पूजा, उसे शंकर लिंग नहीं कहते हैं। शंकर जीत पाने या जीत दिलाने वाला नहीं है। उस लिंग में भी बिंदु के रूप में प्रवेश कौन करता है? शिव प्रवेश करता है। वो शिव ही जीत पे पहनाने वाला है। जो पूजा होती है, पूजा पवित्र की होती है अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। शिव को एवर प्योर कहा जाता है। जब एवर प्योर है तो एवर पूजी कौन बनता है? एवर पूज्य है, एवर पूजा होती है तो एवर पूजी भी बनता है। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है। क्यों होती है? क्वेश्चन है, सबसे जास्ती इंद्रियों पर जीत पाई और आत्माएं उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। और मिलिट्री में क्या है, कोई भी युद्ध में मरता है। हाँ। कहते हैं कि वीर गति को पाया। हाँ। बाबा ने यह मुर्मू बोला कि अभी वीर पूरा महावीर पिछाड़ी में होंगे। हाँ। यादगार हो गया। तो अभी मरते रहते हैं तो वीर बन जाते हैं, मरते हो फिर जिंदा हो जाते, मरने के बाद जिंदा नहीं होते, फिर हो जाते। हाँ। नहीं, सारा सागर खारा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम की धारा आती है, पानी उबलता हुआ आता है, खारा नहीं है सागर। कहीं खारा और कहीं मीठा भी है, लेकिन नदियां हर जगह मीठा पानी ही बहाती है, क्योंकि नदियां पहाड़ों से आती हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा कहाँ से आती है? नॉर्थ पोल से, ऊंची स्टेज से आती है। नदियां भी ऊंची स्टेज से आती हैं, इसलिए मीठा पानी बहाती है। सागर खारा होता है। तो सागर होगा है? सागर होगा तो सतयुग में, त्रेता में होगा तो सत्युग त्रेता में जो सागर होगा वो सारी दुनिया में एटम बम फटने से और भूकंपों के विस्फोट होने से, ज्वालामुखियों के ढेर विस्फोट होंगे, जितने भी दुनिया में पहाड़ बने हैं
जितने ही समंदर के अंदर पहाड़ हैं वो विस्फोट से बने ना, तो ये विस्फोट होने से समंदर का पानी या सारी दुनिया का जो भी पानी है या नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हजारों मील ऊंची जो बर्फ जमी हुई है वो सारी बर्फ बर्फ क्या बन जाएगी, नहीं पानी क्यों बन जाएगी, जब गर्मी से खौलेगा पानी तो क्या बन जाएगा, बाष्प बन जाएगा। तो बाष्प से जो बना हुआ पानी है वो मीठा होगा या खारा होगा, पहले कैसा होगा सागर, पहले तो मीठा ही होगा ना, फिर धीरे धीरे पृथ्वी के संपर्क संसर्ग में आते आते वो पानी खारा हो जाता है। अरे सारी दुनिया में जलमयी हो गई कि नहीं, जलमयी हो गई, तो जिस समय जलमयी हुई तो खूब बरसात होने से हुई ना, बरसात का पानी मीठा होता है या खारा होता है, मीठा ही होता है। और तो सर्वव्यापी कहने से हो गया, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही कृष्ण है, तू ही नारायण है, तू ही शंकर है, तू ही सब कुछ है। बाबा मुझे ना तो गाना गीत बजा वही माता, उसने भी बताया कि ब्रह्मा जो बड़ा होता है उसका नाम कैसे दिया है, जो बड़ा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है, जैसे माता पिता तो माता का नाम कैसे, तो ब्रह्मा को बड़ा बताया है। हाँ है, आज जो बुद्धि बनी थी उसमें हाँ बड़ा बताया। हाँ ब्रह्मा का नाम बड़ा, ब्रह्मा का नाम किसके साथ आता है, जैसे माता पिता, माता पिता है तो दो शब्द हुए ना, तो माता पहले लिया जो बड़ा, माता पहले लिया बड़ा होता उसको पहले, उसमें मुरली में ऐसा बताया। हाँ हाँ जो बड़ा होता है वो पहले लिया जाता है। ब्रह्मा यहाँ पे बात है ब्रह्मा का नाम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो बड़ा होता है वो ही पहले लिया जाता है, माता बड़ी है तो वो ही पहले ली जाती है, ऐसा नियम नहीं है। शंकर पार्वती कहते हैं तो कौन पहले है, शंकर पहले या पार्वती पहले, शंकर पहले, क्यों पार्वती क्यों पहले नहीं, पार्वती माता नहीं है, है? हाँ शंकर में एवर प्योर प्रवेश है, माता इसलिए बड़ी है कि माता के बगैर उद्धार नहीं होता है, इसलिए माता बड़ी है, माता को गुरु बनाना पड़े, प्योरिटी की बात है, पुरुषों के मुकाबले माता ज्यादा प्योर है, जन्म जन्मांतर माताओं ने प्योरिटी को निभाया है, पुरुषों ने प्योरिटी को नहीं निभाया। और बातें बनाई हुई है, ऐसा कुछ है नहीं है, मनुष्यों की बनाई हुई बातों में विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो ऐसे चार धाम बनाए हुए हाँ जी, इसकी हाल में गलत बनाया है हाँ जी, अगर नेगेटिव संकल्प आता है तो इसकी हाल में बैठ कर चित्र देखना। बाबा जब ये महाविनाश होगा तो 4 लाख बिजरू पाठ में उनको शरीर कैसे सेफ रहेगा, बर्फ में हर चीज सेफ रहती है या नहीं रहती है, है? रहती है, जब विनाश होगा तो सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि जो भगवान के बंदे हैं वो कयामत के टाइम पर भी बड़े आराम से रहेंगे, तो उनके शरीर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके शरीर फिर भी सेफ रहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का आगमन उनके द्वारा ही होगा, नई दुनिया का फाउंडेशन ही उनके द्वारा लगना है, तो शरीर ही नहीं रहेंगे
तो क्या ऊपर से आएंगे? उन ब्रह्मा कुमारों ने तो दिखा दिया ऊपर से सितारा आया और नीचे आके प्रिंस बन गया, तो ऐसे थोड़ी होता है। बाबा जो यहाँ से 4,500 है वो सत्युग में जाएंगे डायरेक्ट सीरीज के द्वारा, तो उनका 150 साल कैसे करने पड़ेगा? सबका 150 साल थोड़ी होता है, ये तो एवरेज बताया है, कोई का ज्यादा भी हो सकता है 150 साल से ऊपर, कोई का 150 साल से 25 साल कम भी हो सकता है। सत्युग के अंतिम जन्म में जो 8वां जन्म होगा वहाँ 125 एवरेज एज होगी या 150 साल रहेगी? है 125 हो जाएगी। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि एकदम फिक्स नहीं है। 4.5 लाख जो शरीर छोड़ेंगे वो शरीर तो छोड़ेंगे एक साथ, लेकिन ऊपर से नंबर वार आएंगे या एक साथ आ जावेंगे? 150 साल में कितने आवेंगे? 4.5 लाख आवेंगे। तब 150 साल पूरे होने के बाद 9 लाख आबादी बनेगी। ऐसे तो नहीं है कि पहला पत्ता कृष्ण आवेगा उसके साथ ही साथ 4.5 लाख आ जाएंगे, एक एक करके आवेंगे या धड़ाक से 4.5 लाख उतर पड़ेंगे, एक एक करके आवेंगे। जन्म पूरे नहीं हुआ ना, कम होना पड़ेगा। 84वां जन्म तो गिना जाएगा उनका जन्म, 21वां जन्म यहाँ गिनेंगे कि नहीं? संगम में, संगम में 21वां जन्म, एक जन्म तो यही पूरा हो गया, तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, तो क्या सत्युग में जन्म लेने वाले बच्चों के 84 जन्म होंगे? हाँ उनके भी होंगे, क्योंकि त्रेता में उनका एक जन्म बढ़ जाता है, त्रेता में 13 जन्म होते हैं उनके, राधा कृष्ण जैसी बच्चों का त्रेता में 13 जन्म होंगे, तो टोटल मिला के उनके भी 84 जन्म हो जाते हैं। हाँ उनकी पूरी 150 वर्ष एवरेज एज नहीं होगी जो सत्युग के अंत में आवेंगे, उनकी एवरेज एज कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने योग कम लगाया है, और जो संगम युग में जीवित रहते हैं उन्होंने योग जास्ती लगाया है। उनके योग बल से प्रकृति के 5 तत्व भी सत्व प्रधान बनते हैं, वो प्रकृति के 5 तत्वों को सत्व प्रधान नहीं बना पाते। कौन? राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो शरीर छोड़ने वाले हैं संगम में, वो यहीं अपने शरीर को सत्व प्रधान नहीं बना पाए, शरीर छोड़ के चले गए, शरीर सत्व प्रधान बने क्या? नहीं बने। तो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाना है, तब कहेंगे सत्व प्रधान प्रकृति बनाई। तो बाहरी प्रकृति के 5 तत्वों को सत्व प्रधान पहले बनावेंगे या अपने शरीर के 5 तत्वों को पहले सत्व प्रधान बना देंगे? पहले तो अपने शरीर के 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाना पड़ेगा। हमारे शरीर के 5 तत्व सत्व प्रधान बनेंगे तो हम इसी दुनिया में स्वर्ग को महसूस करेंगे। दुनिया में कैसा भी विनाश बरपा होता रहे तुम्हारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी। टेंशन राम से आता है या रावण से आता है? रावण को कितने सर, कितने बच्चे हो गए? रावण राजी की दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो द्वापर के आदि में पैदा हुआ हो या कलयुग के अंत में पैदा हुआ हो, वो पैदा होते ही टेंशन लेकर के आता है। सबसे पहला टेंशन किसको होता है? माता को भी होता है, बच्चे को भी टेंशन होता है, रोता रोता पैदा होता है।
छत्तीस में बच्चे रोते रोते पैदा होंगे क्या? नहीं, माता को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं। शरीर से टेंशन काया बनेगी तो ये उम्र अभी मान लो कि 45 एज हुआ तो 45 से गिनती हो जाएगा 150 साल में, 150 साल आयु होगी तो उसमें ये गिनती हो जाएगा। हाँ, गिनती तब से हो जाएगा जब से आप निश्चय बुद्धि बने, जब से आपने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। जैसे राम वाली आत्मा ने अपने आत्मिक स्वरूप पर निश्चय कब किया होगा? 76 में किया होगा। तो 76 से लेकर के 150 वर्ष की आयु गिनी जाएगी। शरीर तो भले वही बना रहेगा लेकिन लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 से कहा जाएगा या 76 से पहले कहा जाएगा? 76 से लक्ष्मी नारायण का जन्म कहा जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कब? 5000 वर्ष हुए। कौन सी सर की वाणी है? 66 की वाणी है। 66 से अगर हम उल्टा चक्कर घुमाएं और 10 वर्ष तो पहले ही रुक जाए, 5000 पूरा ना होने दें तो 76 आएगा। मतलब पंचम काया बनने से ये शरीर तो रहेगा ना, बर्फ में डर जाएगा तो फिर बात नहीं, जैसी शरीर से कृष्ण बच्चे का जन्म होगा तो बर्फ से बाहर निकलेगा वो सतो प्रधान शरीर होगा, उसी से कंचन काया से कंचन काया के बच्चे पैदा होंगे या तमो प्रधान शरीर से पैदा होंगे? वो कंचन काया वाली उम्र कितनी होगी? तन 36 में राम वाली आत्मा की उम्र क्या होगी? 60 साल। मुरली में क्या बोला है? वहाँ बच्चे कब पैदा होंगे, कितने साल के हो जाएंगे तब तक की पैदा होंगे? 60 साल। बाबा तो एक एक बात का हिसाब लगा करके मुरली में बोला। ठीक है, कौन कौन होंगे जो इक्के वाले जो एडवांस पार्टी का विरोध करते हैं वो रोते रोते लेने खड़ी होगी? हम रोते रोते सर पीटते पीटते ये हिसाब तुम लगाओ। हम तो कहेंगे हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे परिवार के भाती हैं, सब हंसते हंसते पहुँचे। वो लाइन में कौन पक्षी वाले भी होंगे? अंत में जब भगवान आ गया इस पृथ्वी पर, हमारा बाप आया हुआ है तो सब प्रसन्न हो जाएंगे या कोई दुखी रहेगा? सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो शुरू किया है लोगों ने, जीते वाले ने क्या प्लेटिनम जयंती मना रहे हैं ना? प्लेटिनम जयंती वो बाहर से मना रहे हैं, ये अंदर से रो रहे हैं। भगवान आ गया वो बाहर से मना रहे हैं, ये अंदर के संकल्पों से रो रहे हैं। अंदर के संकल्पों को तुम देख रहे हो या बाहर का देखा? बाहर का तुमने देख लिया। जैसे दुनिया बाहर की आंखों से देखती है, यहाँ ढोल मजीरा बज रहे हैं, अंदर तो पूछो कि अंदर से वो रो रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है या टेंशन घट रहा है? बढ़ रहा है। रावण का टेंशन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था या घट रहा था? बढ़ रहा। सभी को तो पता चल जाएगा निराकार बाप आ गया। ठीक है, तो इलाज तो फिर शुरू हो जाना। तो चल गया, संशय तो नहीं आता? संशय तो नहीं आता? नहीं, संशय नहीं आता।
से नहीं आता संशय नहीं आता ध्यान रखना माया पिछाड़ी पड़ेगी बिल्कुल संशय नहीं आता। मैं क्या कहता हूँ अभी ये 75 जो मना रहे हैं तो ज्यादातर सभी आप लोगों को पता तो चल जाएगा कि भगवान आ गया है निराकार आ गया है। निराकार के आने और जाने का क्या पता लगता है? निराकार के आने आत्मा निराकार आ गई निराकार आत्मा चली गई ये कुछ पता लगता है क्या? पेट में आत्मा प्रवेश आ सकती है निराकार आत्मा कुछ पता लगता है क्या? उसका तो कोई मतलब ही नहीं। आ गया तब कहें जब कोई प्रैक्टिकल शरीर में संसार में प्रत्यक्ष होने लगे सब मानने लगे कि हाँ आ गया यही है यही है यही है और कोई नहीं हो सकता। सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे और सब बड़े बड़े महात्मा जो अपने को भगवान माने बैठे वो सब डोलने लग पड़े सब कहेंगे आ गया। अभी शांति चल रही है कि बिना आराम भी बैठे हुए पढ़ाई चलती है? पढ़ाई चल रही है। शांति में पढ़ाई चलती है या अशांति में पढ़ाई चलती है? हैं? शांति में बैठे हैं अभी आप पढ़ाई चल रही है। जब विनाश शुरू होगा तो पढ़ाई पढ़ सकेंगे? पढ़ाई से तो नहीं पढ़ सकेंगे। ये आगे वालों ने नहीं सुना हिंदी जानने वालों ने राम त्रेता युग में आया था या संगम में आया था? संगम युग में आया था। तो सबरी भी जिसके झूठे बेर थे वो भेर संगम युग में वाली सबरी थी या त्रेता युग वाली सबरी थी? संगम युग वाली सबरी थी और उसके बेर भी झूठे थे या सच्चे थे? झूठे थे। लेकिन वो झूठे बेर भी प्यार से अर्पण किए तो भगवान उनको भी लेता है या फेंक देता है? लक्ष्मण फेंक सकता है लेकिन भगवान भगवान नहीं फेंकता। जी मुस्लिम शासन है उन्होंने पूरे कर्मों के आधार पर अपना धर्म फैलाया। जी मुस्लिम शासन थे उन्होंने पूरे कर्मों के आधार पर अपना धर्म का फैलाव किया और भारतवासियों ने अपना धर्म का पतन किया लेकिन कर्मों का पतन नहीं किया। धर्म पता नहीं किया धर्म भ्रष्ट नहीं हुए बराबर। हमारे कहने का मतलब ये बाबा ये धर्म तो पूरे काम करना अच्छा है या गलत है? धर्म का फैलाव धर्म को जानेंगे तभी तो धर्म का पालन करेंगे। धर्म को जानेंगे ही नहीं तो धर्म का पालन कैसे करेंगे? हम धर्म को जानते थे भगवान की बताने से पहले जानते ही नहीं। हमारा असली स्वधर्म क्या है हम जानते थे नहीं जानते थे? अब हमने जाना है हमारा असली स्वधर्म है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो उसमें टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवताएं अपने धर्म को जानते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में अपने धर्म को पालन करने का जीवन भर उनका पुरुषार्थ चलता है। सही पुरुषार्थ नहीं कहेंगे उनकी जैसे आदत ही पड़ गई पक्की। पुरुषार्थ उन्होंने संग में कर लिया आत्म की स्थिति में स्थित होने का यही हमारा स्वधर्म है। देवी देवता सनातन धर्म है।
जब स्वधर्म में टिकेंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे। धर्म भ्रष्ट भी नहीं कहें बनेंगे और कर्म भ्रष्ट भी नहीं बनेंगे। कबीर हीरा को है नूर हीरा, कौन है नूर हीरा, वो जड़ हीरा है या चैतन्य हीरा है? वो चैतन्य हीरा ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में हीरा है वो कृष्ण वाले जखीरे में है या राम वाले जखीरे में है? राम वाले जखीरे में है, कृष्ण वाले जखीरे में है। तो किसके अंदर में है? कृष्ण वाला जो जखीरा है उसका सबसे बड़ा गढ़ दुनिया में कहाँ है? नहीं, लंदन विदेश में है, वहां विदेश से वो हीरा कंट्रोल्ड में है, लंदन से उसका कंट्रोल हो रहा है। चैतन्य हीरे का कंट्रोल हो रहा है या जड़ हीरे का कंट्रोल हो रहा है? वो चैतन्य हीरा विदेश से कंट्रोल्ड हो रहा है। अब वो दुनिया की किसी भी विदेश में हो, अपनी चमक प्योरिटी की फेंक रहा हो, लेकिन कंट्रोल्ड विदेश से हो रहा है। नहीं समझ में आया? कृष्ण वाली आत्मा है कोहनूर हीरा, कृष्ण वाली कृष्ण वाला जखीरा, कृष्ण वाला जखीरा चंद्रवंश का है या सूर्यवंश का है? चंद्रवंश का जखीरा है। उस चंद्रवंश के जखीरे में वो हीरे की सुरक्षा हो रही है। उनके कंट्रोल में है। क्या बड़ी बात हो गई? अरे कोई तो इस हीरे को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जो कंट्रोल करने वाला है वो कलयुग के अंत का कोई होगा या द्वापर के आदि अंत या कलयुग के अंत आदि का होगा? अंत का ही होगा। अंतिम भारतीय धर्म कौन सा है? सिख धर्म। तो सिख धर्म के कंट्रोल में आ जाता है। वो भी उसने दिखावा किया था, गिफ्ट तरीके से लेने का दिखावा किया था। हाँ। तो महाराणी ने ऐसा दिखावा किया था कि ये हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हमने इसे लूटा नहीं है, ऐसा दिखावा किया। नहीं, इसे लूटा नहीं है। अभी दबाव तो डाला। हाँ, दबाव डाला। वैद्यनाथ जी है, बारह ज्योतिर्लिंग गए गए हैं, इसलिए वैद्यनाथ जी गाया गया। वैद्यनाथ, हाँ, तो
बाबा जो फॉरन वालों ने एलोपैथिक दवा बनाई है और भारतवासियों ने आयुर्वेदिक दवा बनाई है, जो फॉरन वाले की जो दवा है फॉरन क्यों काम करती है? फॉरन वाले की जो एलोपैथिक दवाइयाँ है फॉरन काम करती है, भारतवासियों की जो आयुर्वेदिक दवा है वो स्लो काम करती है। तो क्यों करती है? क्यों करती? वैद्य नाथ है वो वैद्य डॉक्टर को नहीं कहा जाता है, कहा जाता है ना, वो एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो या कोई पैथी का हो, नेचुरोपैथी का हो, वो भी वैद्य तो वैद्य ही है, उन सब वैद्यों का नाथ है। दुनिया में जितनी भी पैथी निकली है उन सब पैथियों का नाथ कौन है? एक ही वैद्यनाथ। ऐसे नहीं समझ रहा है कि एलोपैथी है जो कहीं बाहर से आ गई। ये पूछ रहे थे मतलब फॉरेन वाले की जो दवाई है वो फॉरेन वालों की नहीं है, वो फॉरेन वालों ने जो दवाइयाँ बनाई है उनका सूत्र भी कहाँ से निकलता है? भारत से ही निकलता है। निकालने के जो निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे या स्वदेशी धर्म की होंगी? पक्के विदेशी धर्म में जो कन्वर्ट हो गए उन्होंने वो दवाइयां निकालने के निमित्त बन गए। वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो वगैरह की जैसी देते हैं, उन्हीं रोगों की मरे हुए जीवाणु होते हैं यहाँ पर बेहद में इसका ये सब डॉक्टरों की बातें, जब डॉक्टरों की महफिल लगे तो फिर उनसे पूछना। वो हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही है तो हम जवाब दे चले दें। हाँ तो लोहे से लोहा काटा जाता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती है, तो वो तेरे कौन है जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया तेरे? राम बलिया तो हर तरह का पार्ट भरा हुआ है। दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों का पार्ट भी किसमें भरा हुआ है? रामबली आत्मा में भरा हुआ है। और मैं नंबर वार कम होंगे उस आत्मा में, 84 लाख योनियों का भी पार्ट भरा हुआ है और मैं नंबर वार। आपको पहचानते हैं आपको पहले पहचानते हैं, बाद में उसे बुलाने करते हैं उसके लिए तो बड़ी सजा है। लेकिन जो आपको पहचानते हैं लेकिन लाने नहीं करते हैं। ऐसे कोई होता ही नहीं, पहचानते हैं और पहचान के जब भूलेंगे तो भूलना होता ही है, इसलिए कि माया ग्लानी कराना चाहती, माया ने अपना बना लिया। मना माया का काम क्या है? बाप से दूर हटाना। छोड़ना ही बाप को ग्लानी हो गई। क्या जिस सेकंड बाप को छोड़ा और किसी ने भी जाना कि इसने बाप को छोड़ दिया तो उसके दिल में क्या आवेगा? इसने क्यों छोड़ा? जरूर कोई गड़बड़ी है। ये भगवान नहीं है, शैतान है। हम कहते थे ना ये शैतान है, तब तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो दूसरी हुई या नहीं हुई? बाबा जब लास्ट में जो बाप को पहचान ले वो सुखी ध्यान करता है लास्ट में। हाँ वो पहले आ सकता है लास्ट में पहचान दे सत्यु में आ सकता है। हाँ जो लास्ट में पहचान लेंगे वो सत्यु के आखिरी राजा नहीं बनेंगे, और जो सत्यु के आखिरी राजा बनेंगे वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट होंगे तो उसका बीज कहाँ पड़ा कन्वर्शन का?
कन्वर्ट होने का बीज कहाँ पड़ा? संगम में कैसे पड़ा? बाप के बने और बाप को भूल गए, भूल गए फिर बाद में फिर पहचान लिया। हाँ, एक बार माफ, दो बार माफ, फिर जास्ती माफ नहीं होगा। कि तुम एक बार दो बार सुनंती कथंती भागंती होते रहो, मिलानी करते रहो और बार बार माफ होते रहो, तो नहीं होगा। बार बार अगर करते रहेंगे तो न सत्युग में आ सकेंगे, न त्रेता में आ सकेंगे। अजर जर माने जरा, जरा माने बुढ़ापा, अजर माने जिसका बुढ़ापा ना आए। शिव बाबा के लिए मुरली ने क्या बोला? शिव बाबा कभी बूढ़ा तो नहीं होता है, तो अजर हुआ या जरा हुआ? अजर हो गया। बुढ़ापा जो है वो शरीर की बात है या आत्मा की बात है? देह, देह की बात है। देह के आधार पर बुढ़ापा आता है। बाबा, क्रिश्चियन धर्म में कोई देव देवता को मानते नहीं, वो प्रसाद भी खाते नहीं। वो शंकर को सैतान क्यों बोलते हैं? शंकर को सैतान क्या? जब उसके प्रसाद को भी नहीं खाएंगे तो सैतान नहीं बोला? सैतान के प्रसाद को ही खाएगा क्या? सैतान का प्रसाद खाएगा तो सैतान बन जाएगा। ऐसा कौन सा पार्ट है वो सैतान बोलते हैं? उसका पार्ट सैतान का है या वो पहचान नहीं पाते कि ये सैतान है कि भगवान है? हैं? पहचान नहीं पाते। मुरली में आता है कि तुम सब यहाँ पे आए हो लाइफ इंश्योर करने के लिए। हाँ? तो बाबा जो बाबा के जो बच्चे हैं उनको भारतीय जनता का इंश्योरेंस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना? भारतीय जनता का इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हें सारी सारे सबसे बड़ा इंश्योरेंस मैग्नेट मिला हुआ है तो तुम और छोटे छोटे इंश्योरेंस क्यों क्यों अपना रहे? निकाला ही नहीं है, निकाला नहीं, पूछ रहे। और निकालोगे क्या? निकालोगे तो भी तुम्हें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, LIC में जो पैसा डाल दो वो पूरा पैसा कभी मिलता है? मिलता ही नहीं। वो कहेंगे जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाएगी तब तक वापस ही नहीं मिलेगा। ना मैच्योरिटी किसी की होने वाली है, अब तो विनाश होगा। जैसे भोज्य में विनाश हुआ तो क्या हुआ? मैग्रेट इनसे परिवार सारे भाग गए, तो वहां रह गए, सारी भाग गए, इंश्योरेंस कंपनियां सारी उड़ गई। बाबा, वो जेल में महाकाल मंदिर है, वहाँ पे भस्म आरती होती है रात को 3 बजे, ताजे मुर्दे के उसमें भस्म चढ़ती है। वो कहाँ से आएंगे? पहले कोई तो मरा होगा, वो चढ़ती है। हाँ, तो कोई तो पहले मरा होगा, सवेरे सवेरे 3 बजे अमृत वेला कभी नहीं शुरू होता है, 2-3 बजे अमृत वेला शुरू होता है। तो जब सत्युगुरु की सवेरा शुरू हुआ होगा, एवर लास्टिंग सुख की दुनिया जब शुरू हुई होगी तो वो संगम में शुरू हुई होगी या सत्युग में शुरू हुई होगी? संगम में सड़न सत्युग दुनिया शुरू हुई है। तो वो 2-3 बजे अमृत वेला कोई ने तो पहले करी छोड़ा होगा, किसने छोड़ा होगा? वो शंकर वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा, उसने अपने को भस्म बनाया। देह अभिमान को क्या किया? देह को भस्म बनाया।
देहमान को भस्म बनाया और उस भस्म को सबसे पहले पहले ईश्वर को अर्पण कर दिया, तो वो ऊंची पे ऊंचा जैन हो गया। उत जैन, उत माने ऊंचा, जैन माने इंद्रियों को जीतने वाला। जो इंद्रियों को जीतने वाले का फॉलोअर है वो जिन कहा जाता है, जिन के फॉलोअर को जैन कहा जाता है। तो उज्जैन कौन हुआ? वो उज्जैन है जहाँ रात्रि को अमृत वेले पहले पहले भस्म चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर। वहाँ पर कोई भी राजा जैसे मंत्री हुए या कोई भी हुए रात नहीं रुक सकते, रात रुकते तो मजा आता। आज भी ऐसा मतलब कोई भी राजा जाता है वहाँ पर, मंत्री जाते हैं तो वहाँ रुकते नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी जाके रुकते हैं। जहाँ ऐसी स्टेज बनी हुई होगी जो देहाभिमान की सबसे ऊंची स्टेज को पार करेंगे आठ, वहां पर आज की दुनिया के बड़े बड़े आदमी पहुंच पाएंगे हैं? तो वो वहां नहीं रहते हैं, अगर गए भी खुदा न खास्ता तो ज्ञान में से मर जाएंगे, उन्हें इससे पैदा हो जाएंगे। दुनिया में जितनी भक्तिमार्ग की बातें चल रही हैं, वो कहाँ की यादगार है? वो संगम की यादगार है। लोग कहते हैं ये तो भक्तिमार्ग के टंट घंट हैं, तो भक्तिमार्ग के टंट घंट, लेकिन जो भी भक्तिमार्ग के टंट घंट शास्त्रों से आए हैं और प्रैक्टिकल में कर्मकांड किए जा रहे हैं, उनका उद्गम प्रैक्टिकल में कब हुआ था? संगम पर हुआ। तो संगम से टैली करें, टैली करेंगे तो वो साबित हो जाते हैं। तो कर्मकांड झूठे हुए या सच्चे हुए? भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड हो रहे हैं, भक्ति मार्ग की जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, वो झूठी है या सच्ची है? झूठी है, संगम पर हुई है, सच्ची है ना? समझा नहीं सकते हैं तो कहते हैं यह सब झूठी बात है। और सूर्य होता है ना, सूर्य उदय होता है तो उसकी पहले के दिन जापान में निकलते हैं, उसका अर्थ ये हुआ तो जापान में कौन सा धर्म पनप रहा है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की कोई बीज रूप आत्मा होगी। जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है, संक्षेप्त में ज्ञान सूर्य उदय होता है, तो पहले पहले बौद्ध धर्म की आत्मा उसको ग्रहण करती है। किसको? ज्ञान सूर्य को। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में ग्रहण करके और आवाज निकालती है अपनी गीता पाठशाला से, तो प्रत्यक्षता हो गई कि नहीं? प्रत्यक्षता हो जाती है। दिल्ली में उस सेंटर का नाम है मेहरौली, महारौला मचाने वाला महरौली। चार भाई निकलते हैं, चार धर्मों के बीज, उनमें तीन है विदेशी धर्मों के बीज, उनमें एक है बौद्ध धर्म का बीज। वो बौद्ध धर्म का बीज पहले भगवान को प्रैक्टिकल में पहचानता है, दूसरे भी पहचानते तो हैं। इस्लाम धर्म का बीज भी पहचानता है लेकिन काम उल्टे कर लेता है। क्या पर्चों में छपाए छपाए एडवर्टाइजमेंट करता है, ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, बेहद का। तो फिर माता के साथ गुस्ताखी करके बैठ जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म का बीज कहता तो है ये माता पिता है, लोगों को बताता तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या करता है?
भगवान का बना बनाया घर गिराने के निमित्त बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार क्या बन गया, किसके धर्म में गिरजाघर बन गया। तो और धर्म वाले जो हैं, विदेशी धर्म वाले भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करते क्योंकि उनके कर्म करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, भगवान को प्रत्यक्ष करने का कर्म नहीं करते, क्या करते हैं और ही गुप्त कर देते हैं। और बौद्ध धर्म का बीच क्या करता है, प्रैक्टिकल जीवन में जिस सेंटर में वो बच्चा काम करता है, बेसिक में नॉलेज लेता है, उस सेंटर में उस बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं, पूरा का पूरा सेंटर टूट जाता है, सारे के सारे जिज्ञासु एडवांस में क्या करते हैं आ जाते हैं। तो प्रत्यक्षता हुई या नाम बदनाम किया, प्रत्यक्षता कर दी। तो इसलिए वहां की यादगार चली आ रही है कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, जापान के लोग क्या मानते हैं कि सूर्य कहां से उदय होता है, जापान से उदय होता है। टाइम हो गया और 15 मिनट ज्यादा हो गया।